बिजनौर जनपद भर में मातमी व अखाड़ों का जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सबसे पहले आपको बता दें, नहटौर का जहां 10वीं मुहर्रम को नगर क्षेत्र में मातमी व अखाड़े का जुलूस कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। जुलूस निर्धारित मार्गों से होता हुआ करबला में जाकर ताजिए को दफन किया गया और नगर के मोहल्ला पोकजान स्थित सैयद मिशाल मेहदी के आवास से शिया सौगा वरु द्वारा मातमी जुलूस प्रारंभ हुआ। जुलूस मोहल्ला मीरा की सराय घास मंडी नौधा से होता हुआ गागा नदी पर जाकर संपन्न हुआ, जहां ताजिए को दफन किया। जुलूस सौगावर मातम करते चल रहे थे। इसके अलावा क्षेत्र के लगभग एक दर्जन गांव में मातमी व अखाड़े का जुलूस निकाला गया। मातमी जुलूस में शिया समुदाय के लोग मातम करते हुए चल रहे थे व अखाड़े के जुलूस में सुन्नी समुदाय के अखाड़े में करतब दिखा रहे थे। जुलूस नगर में शांतिपूर्ण संपन्न किया गया। यहां सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम धामपुर ऋतु रानी, सीओ धामपुर सर्वम सिंह, कोतवाल धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, कस्बा इंचार्ज योगेश चौधरी व हल्का उपनिरीक्षक अपने अपने क्षेत्र में पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। जुलूस संपन्न होने के बाद ताजिए को करबला में जाकर दफन किया गया। वहीं हल्दौर के ग्राम छजूपुरा सादात में सवेरे से मजलिशों का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम जुलूस की शक्ल में करबला पहुंचा, जहां पर नम आंखों से ताजिया दफन किए गए। मजलिशों को क्रमशः जाकिर मोहम्मद रजा, मौलाना अहमद रजा और मौलाना मेहदी अब्बास ने संबोधित किया। इमाम बारगाह में मौलाना मेहदी अब्बास ने मजलिस को संबोधित करते हुए कहा कि सन 61 हिजरी में यजीद नामक शासक था, जो खुद को इस्लाम का खलीफा कहलाता था और चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बेयत करे, मगर इमाम ने उसकी बेयत से इनकार कर दिया, जिस कारण इमाम को अपना वतन मदीना छोड़कर करबला जाना पड़ा, जहां पर यजीद की फौज ने इमाम हुसैन को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने अपनी और अपने 71 साथियों की कुर्बानी करबला में दे दी, मगर जालिम के आगे सर नहीं झुकाया और इस्लाम व इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया। तो वहीं नजीबाबाद के शियामी वाला में शिया समाज की ओर से 10वीं मुहर्रम पर मातमी जुलूस शांतिपूर्वक निकाला गया। शिनाजनी के साथ साथ या अली मौला अली की सदाएं गूंजी। कई स्थानों पर शिया शौकवारों ने जुलूस में जंजीरों का मातम कर खुद को लहूलुहान किया और करबला के शहीदों को याद किया। नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम ज्वाली लाला में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई अखाड़ों ने अपने कर्तव्य दिखाए। गांव में बड़ी संख्या में समीपुर हुमायूंपुर बड़ी ज्वाली व शाहपुरा से लोग शामिल हुए। बात करें नगर पंचायत सहानपुर की, तो यहां हमेशा बड़े स्तर पर लोग मुहर्रम मनाते हैं। 17-18 तारीख को सहारनपुर में मुहर्रम मनाए जाते हैं, जबकि सभी जगह पूरे देश में 17 तारीख को मुहर्रम मनाए जाते हैं, पर सहारनपुर कस्बा एक ऐसा कस्बा है जहां पर 2 दिन तक मुहर्रम चलती है। यहां मुहर्रम के नाम पर उत्पात भी मचाया जाता है। यहां डांस व डीजे बजाकर लड़के डांस करते हैं, उत्पात मचाते हैं। सहारनपुर के सभी लोगों को होना चाहिए कि इस पर रोक लगनी चाहिए, डीजे में डांस पर लगे रोक, जबकि मुहर्रम एक बहुत ही गमगीन त्योहार है। इस पर हमारे नबियों ने अपनी कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया था। मुहर्रम का मकसद होता है कि अखाड़ेबाजी कर, तलवारबाजी कर, डांडेबाजी व लाठियां चलाकर अपनी सेफ्टी के लिए अपना सेल्फ डिफेंस दिखाना, लेकिन यहां पर लोग बाग डीजे लगाकर मचाते हैं उत्पात। सभी लोगों को चाहिए कि ऐसा ना करें, केवल अपना सेल्फ डिफेंस ही दिखाएं। सहारनपुर कस्बे में शाम 8 बजे मुहर्रम शुरू हुआ। अगले दिन 5 बजे तक खेले जाते हैं, जो कि प्रशासन से भी अनुमति मिली हुई है। लगभग 9 अखाड़े सहारनपुर में अखाड़ा खेलते हैं और सभी एक दूसरे के आगे पीछे लगे रहते हैं, पीछे लगकर अखाड़े खेलते हैं। पूरे जिले से सहारनपुर में मुहर्रम देखने के लिए लोग आते हैं। भीड़ इतनी होती है कि जिस रोड से मुहर्रम गुजरते हैं, आसपास की रोड व छतों पर इतनी पब्लिक होती है कि देखने लायक बनता है। जिस रोड से यहाँ पर मुहर्रम गुजरता है वह रोड ब्लॉक रहती है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि उससे निकलने की जगह ही नहीं होती है। बिजनौर एक्सप्रेस के सभी सदस्यों की संयुक्त रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।